सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग नौम के लिए ललित कवित्री ललित द्वारा रचित वाक को पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछला क्लास में मैंने भाग एक और दो को पढ़ाया हूँ, आज तीन और चार की व्याख्या करूँगा। तो ये जो वाक है इसका तीसरा भाग है, कवित्री वर्णन करती है, आई सिद्धि राह से गई नो सिद्धि राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी नो पाई माझी को दो क्या उतराए। कवित्री यहाँ वर्णन करती है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो एकदम उनका हृदय स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, लेकिन इस संसार में आते ही वह अपने मोह माया से युक्त कुछ ऐसे कामों से उलझ जाता है कि उनका हृदय पाप कर्मों से भर जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता है, पुण्य नहीं कमा पाता है, अच्छा काम नहीं कर पाता है। कवित्र कहते हैं कि सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, क्या करे नहीं करे, सांसों का आना जाना पर यह जीवन टिका हुआ। सेतु मतलब पुण्य, और ये जो जीवन है सांसों पर टिका हुआ है, और सोचते सोचते मनुष्य का दिन बीत जाता है, लेकिन सत्कर्म में ईश्वर भक्ति में वह दिन बीता नहीं पाता है। इस संसार में मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो अच्छे कर्मों द्वारा सत्कर्मों द्वारा पुण्य को कमाता है। जेब टटोली कोड़ी नो पाई, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का जन्म एक विशेष उद्देश्य होता है, और जब वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तब वह असहाय और निर्बल हो जाता है, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि इस संसार में आने के बाद जब वह उनकी मृत्यु हो जाती है तो पुण्य के रूप में कुछ नहीं जब कमा पाता है तो वह निराश हो जाता है। माझी को दू क्या होता है, यानी कि भवसागर पार करने के लिए ईश्वर को लेखा कर्मों का लेखा जेखा देना पड़ता है। जब वह पुण्य नहीं कमा पाता है तब वह एकदम असहाय और निराश हो जाता है, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है। अतः हमें सत्कर्मों में और अच्छे कर्मों में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला, थल थल में बसता है सी भी भेदों कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। यहाँ कवित्री सांप्रदायिकता पर वर्णन की है, वह कहती है कि थल थल में जगह जगह में बसता है शिव, शिव मन परम तत्व ईश्वर, भेदों को कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि ईश्वर भजने का मार्ग एक है, पहुँचने मंदिर ईश्वर भजन के लिए ईश्वर एक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का अलग अलग रास्ता है। तो हिंदू अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करता है, मुसलमान अपने ढंग से, यानी कि मूलतः ईश्वर की ही स्तुति होती है। तो कवित्री वर्णन करती है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी है तो स्वयं को जाए। कवित्री यहाँ वर्णन करते हैं कि हमें ईश्वर भक्ति में ही लीन रहना चाहिए और अपने को पहचानना चाहिए, यानी कि सांप्रदायिकता पर दखल देना नहीं चाहिए, वही है साहिब से पहचान, यानी कि हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहकर जो ईश्वर की कल्पना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। यानी कि हमें सांप्रदायिकता से दूर, भेदभाव से दूर ईश्वर की स्तुति में ही लीन रहना चाहिए। धन्यवाद।